लगा दिया एक्स एक्सिस पे, जो जीरो है, डी बाई टू है और डी है, और सर वो बता दिया कि ऑरिजिन मतलब जो प्लस क्यू है एक, जो वो ऑरिजिन पे है, और जो बाकी है वो एक्स एक्सिस पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू एंड डी। स्कैटर ने बता दिया कि हमें जो नेट एक्सपीरियंस जो कर रहा है जो ऑरिजिन पे है क्यू प्लस क्यू सर वो जीरो है, मतलब नेट एक्सपीरियंस जो फोर्स है वो जीरो है जो एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ऑरिजिन पे है। इतना जल्दी जल्दी करो, कहीं जाना है क्या? अच्छा तो आराम से करो बेटा, लग रहा है कहीं लड़ाई वड़ाई होगी। नहीं ऐसा क्यों, क्या जल्दी हो जाइए, आराम से। नहीं जैसे मान लो जिस एग्जाम के लिए तुम लोग सोचते हो जेई मेंस है ना, देखो 2019 रिसेंट क्वेश्चन 20 का भी, 20 में शायद नहीं 21 में एक आया, 18 वाला, 18 मार्च वाला एक क्वेश्चन आया, वो भी सॉल्व कर लो। 18 मार्च 16 मार्च वाले एक आए, पूरे टाइम यही देखता हूँ कि जो है सही रहे क्रम बना। तुम लोग करो सॉल्व, क्या मुश्किल हो गया है, समझ में आंसर आ गया बस, करो बेटा सॉल्व करो जल्दी। और सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू सर ये है कि सर जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा फोर्स वो इसके वेक्टर सम और इसके वेक्टर सम के जो, हाँ मान लो टोटल फोर्स आ जाएगी तो टोटल फोर्स कर दो ना, तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल प्लस क्यू लिख दो ना। ठीक है तो बस पॉइंट वाइन का क्या जरूरत है, क्यों उसमें मिसकंसेप्शन होती है, लिख देना नेट फोर्स ऑन क्यू, बस इतना लिखना पड़ता है कि जो नेट फोर्स, जैसे मान लो नहीं तो ऐसा लिख देना फोर्स जो है नेट फोर्स किसमें क्यू में इक्वल्स टू जीरो, शॉर्ट में लिख देना नेट फोर्स कैपिटल क्यू में जीरो है एट ओरिजिन, एट ओरिजिन लिख देना। बस ठीक है, ये साइलेंट नॉट की क्या जरूरत है बताइए, ये लिख दो ना क्या क्या आंसर बनेंगे, जो पहले वाला के होगा k into q अपॉन d by 2 का होल स्क्वायर है ना, मतलब मैं सीधे कर दूंगा आपको चाहे, हां बस सब सीधा क्या है, मान लो वो है एमसीक्यू है, लिखो लिखो लिखो, जो जहां पे एप्सिलॉन नॉट की जरूरत है उस जगह पे लिखेंगे, अदरवाइज दोनों जो फोर्स आ रहा है k into q upon d by 2 का whole square plus k into capital Q into capital Q upon d by d का square equal to 0, फिर उसके बाद हो गया नीचे वाला टोटल जाके 0 हो जाएगा, yes d by 2 अच्छे ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है हो गया, ठीक है तो तुमने सॉल्व कर दिया दोनों जो फोर्स लगा, दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स कितना जीरो होगा, फिर आंसर निकालना है कि नहीं, तो चलिए ओके गुड।
तो अभी देखते हैं बेटा, और एक बार बता देता हूँ, जिस लोग समझ नहीं पाए उसने आराम से इस चीज को कर दिया। तो जहां पे देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कितना होगा 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है, पढ़ लिया, पढ़ने में तो लग गया 30 सेकंड, है ना, 10 सेकंड बचा उसको सॉल्व करने का। ओके, तो अभी और एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ जो इसने किया। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे जो चार्ज रखा, यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज जीरो। तो इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिवाइड टू का होल स्क्वायर, इतना लगेगा। इसके लिए, इसके लिए कितना लगेगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो पहले से ये वाला क्यू, ये वाला क्यू तो काट देंगे, के और के काट देंगे, सब तो कट ही गया। ओके, उसके बाद जो तुम्हारा हो जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, फोर क्यू अपॉन डी का स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएंगे क्यू ओके अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसका भी चला गया। तो फोर क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन, और ये जो हमने किया ये तुमको माइंड में करना है, ठीक है, ये तुमको माइंड में करना, बस हो जाएगा। क्या होगा, एक एक कट गया तो ऐसे ऐसे वो कट गया तो ये आ गया, फिर बस ठीक है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नहीं ये प्रॉब्लम बेटा आ गया बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। और एक बार बताओ बेटा, देखिएगा ये देखो, ये वाली जो है ना इसके ऊपर फोर्स देती है, ओके, तो कितना होता है, के इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसने इसके ऊपर इतना फोर्स देते, दैट इज द एफ वन मान लो, नहीं तो एफ क्यू मान लो, एफ क्यू, और इसने भी इसके ऊपर फोर्स देती है, इसको एफ कैपिटल क्यू मान लो, इक्वल टू क्या, जीरो। ये कितना होगा, के ए बी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज क्लियर सुलगना स्निग्धा, यस स्निग्धा लिख दे, नो यस, जो भी लिखना है लिख जल्दी, यस आ गया। तो अभी के और के कैंसिल करे भाई, नहीं तो अच्छा ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, क्यू इंटू क्यू ऊपर चला जाएगा फोर अपॉन डी स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो क्या क्या कॉम्पोनेंट है, के भी है क्यू भी है डी स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो तुम्हारा फोर क्यू, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, डिस्कर चले गया, क्यों चला गया, क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ पे कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएंगे डिवाइड में चला जाके, तो फोर क्यू इक्वल टू क्यू, तो देयर फोर क्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, यस ओके, छुट्टी होगी, चलिए छुट्टी होगी।